मैं सभी का चरण स्पर्श करती हूँ और सभी से मैं आशीर्वाद लेती हूँ। आज हम लोग शहीद शहीद अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर यहाँ सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम लोग जानते हैं कि शहीद रामफल मंडल जी वीर ही नहीं, एक योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज के शासनकाल को हिला दिया था और अपने बर्ची का डाल गांसा से लेकर के उसके जितने भी पदाधिकारी थे उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने काटा था। जो भी हो बात, लेकिन उनको कैद में भी रखा गया था, जेल में भी बंद किया गया था। मात्र 19 वर्ष के उम्र में उनको फांसी की सजा पर चढ़ा दी गई थी। 16 वर्ष के उम्र में उनकी शादी हुई थी और 11 महीना उन्होंने जेल में काटा था। ऐसे वीर पुरुष को भला हम लोग कैसे नमन नहीं कर सकते हैं और कैसे नहीं याद कर सकते हैं। मैं अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगी कि हर साल उनका इसी तरह से हम लोग उनका शहादत दिवस को याद करेंगे और मनाते ही रहेंगे, क्योंकि वो वीर पुरुष थे, योद्धा थे और हमारे ही क्षेत्र के, जहाँ मेरा गृह क्षेत्र है वही उनका भी गृह क्षेत्र है। इसलिए मैं उनका सादर अभिनंदन और उनका सादर सम्मान के साथ उनकी सच्ची श्रद्धांजलि करती हूँ। मैं आप सबों को प्रणाम करते हुए समय कम रहने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और सबों से आशीर्वाद देती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ और इतने ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय। और इसके साथ साथ हम दोनों भाई मंत्री थे, हम दोनों के बीच में समझौता हुआ और हम लोगों ने पंचायती राज विभाग से 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ मेडिकल के फैसिलिटी को ठीक करने के लिए दिया साहब। और ये पैसा प्रधानमंत्री जी ने दिया, टीम फाइनेंस का जो पैसा मेडिकल सेक्टर में गया उसी के माध्यम से करने का काम शुरू किया है। हम कह रहे थे कि आज बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है और बगल में उत्तर प्रदेश में केवा, उत्तर प्रदेश में बाबा और जो योगी बाबा हैं, देखिए गोतिया से तो सबको दिक्कत होता है ना, तो हम लोग गोतिया हैं, हमारे पार्टी की सरकार है साथियों, लेकिन हमारे यहाँ 2,61,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा और वहां कितना होगा, 42,00,000 करोड़ रुपया, मतलब 13 गुना अधिक, 14 गुना अधिक। तो 14 गुना यदि गोतिया के यहाँ खर्चा हो तो हम लोगों को दिक्कत होगा ना, 14 गुना ज्यादा विकास करेगा। हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम जो है सहरसा में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं और नीतीश जी कहते हैं जमीन नहीं देंगे। हम कहते हैं एम्स बनाना चाहते हैं दरभंगा में, नीतीश जी कहेंगे जमीन नहीं देंगे। हम जो है एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं, गोरखपुर से सीधा आपको सिलीगुड़ी ले जाने का एक्सप्रेसवे बनाना, नीतीश जी कहते हैं जमीन नहीं देंगे। ऐसी सरकार चलानी चाहिए, ऐसी सरकार नीतीश कुमार को आज शहीद रामफल मंडल जी के शहादत पर हमको संकल्प लेना चाहिए। अगला जो भी चुनाव आएगा नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का काम करना चाहिए।